नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुभाष प्लम्बर हमारे चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कोठियों, मॉल्स, फ्लैट्स में ड्रेनेज व्यवस्था में लगने वाली पाइप व पाइप फिटिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें दो तरह की फिटिंग का प्रयोग होता है, नंबर एक SWR, नंबर दो CI यानी डेगचून की फिटिंग। सबसे पहले मैं SWR पाइप की बारे में बताऊंगा। SWR पाइप की लेंथ 10 फुट की होती है तथा फिटिंग के लिए एल्बो, टी, सॉकेट, पी ट्रैप, ननी ट्रैप इत्यादि होती हैं। पाइप तथा फिटिंग दोनों में एक साइड में कपलर बनी होती है, जिसके अंदर पैकिंग के लिए एक रबड़ का रिंग होता है जो कि पानी की लीकेज को रोकने के काम आता है। फिटिंग करते वक्त हम सॉल्वेंट सीमेंट का भी प्रयोग करते हैं, जिससे लीकेज की संभावना ख़त्म हो जाती है। नंबर दो, जो फिटिंग हम यूज करते हैं वो होती कास्ट आयरन। इसकी भी पाइप और फिटिंग दोनों होती है। पाइप की लंबाई 6 फुट की होती है। इसको फिट करते समय लेड यानी सिक्का, जिसको हम रांग भी बोलते हैं, उसको पिघला कर बिल्कुल पानी जैसा जब वो हो जाता है तो उसके ज्वाइंट के अंदर भरते हैं। कई प्लम्बर लीड की जगह सन, सीमेंट तथा एमसील का भी यूज करते हैं। कई प्लम्बरों के को ये काम थोड़ा मुश्किल भी लगता है। CI पाइप को ग्राइंडर से काटा भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है इसको काटना। CI पाइप तथा फिटिंग का प्रयोग ज़्यादातर सरकारी भवनों में ही किया जाता है। CI ड्रेनेज सिस्टम PVC SWR से थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन ड्यूरेबल भी होता है। SWR फिटिंग सिस्टम जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें मुख्यतः सुप्रीम, प्रिंस, कास्ता, आशीर्वाद आदि हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी की SWR फिटिंग बनाती हैं, जबकि CI फिटिंग कमल कंपनी का सबसे बढ़िया माना जाता है। दोस्तों, आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए कृपया इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।